ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूं आपको। क्या बताऊं, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि अगर 5 कैपेसिटर इस तरह से लगाए गए, इस तरह से 5 कैपेसिटर लगाए हमने, ठीक है, तो इसमें हम C1, C2, C3, C4, C5, ये 5 वैल्यू हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। कोई पूछ सकता है कि इसका सी इक्विवेलेंट निकालो, तो ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी टफ टू सॉल्व, वेरी टफ टू सॉल्व। Why is it very tough to solve? ध्यान से देखो, because जो बैटरी से चार्ज जाएगा यहां पर, वो यहां पर इन दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो चार्ज C1 में जाएगा वो आगे जाएगा, जरूरी नहीं है वो सारा का सारा C2 में जाए, हो सकता है थोड़ा C2 में जाए और थोड़ा C5 में चला जाए। C5 में जो चार्ज जाएगा वही आगे आएगा, इधर C3 से जो आएगा ये दोनों मिलके इधर C4 में जाएंगे, और फिर ये वाला चार्ज और ये C4 से जो चार्ज आ रहा है ये सब मिलके वापस बैटरी में जाएंगे। Why is it very tough? Because क्या आपको लगता है इसमें C1 और C2 सीरीज में है? नैनी, क्या आपको लगता है C1 और C2 सीरीज में है? आप गारंटी से कह सकते हो कि जो चार्ज C1 में जाएगा वो सारा का सारा C2 में जाएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर एक और वायर भी है और उसमें भी कुछ चार्ज जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो व्हाई इज इट वेरी टफ, बिकॉज C1 एंड C2 आर नॉट इन सीरीज, तो सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अब फिर से ध्यान से देखो, क्या C1 और C3 पैरेलल में है? इनका एक एंड पॉइंट तो सेम है, पर क्या दूसरा एंड पॉइंट ए और दूसरे को भी मैं ए बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके बीच में क्या है, कैपेसिटर है, तो इसको बी बोलना पड़ेगा। तो क्या C1 और C2 पैरेलल में हुए? एक एंड पॉइंट सेम है, दूसरा अलग अलग पोटेंशियल पे, तो C1 एंड C3 आर नॉट इन पैरेलल, तो ना C1 C2 सीरीज में है, ना C3 C4 डेफिनेटली सीरीज में है, ना C1 C3 पैरेलल में है, ना C2 C4 पैरेलल में, तो ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है। तो सॉल्व करना इज एक्सट्रीमली टफ, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर पोटेंशियल, इफ एंड ओनली इफ पोटेंशियल ऑफ ए बराबर हो जाए पोटेंशियल ऑफ बी, अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो C5 में चार्ज चार्ज Q5 इन C5 बिकम्स जीरो, C5 में कोई चार्ज नहीं होगा। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं आया तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, इसके दोनों अक्रॉस वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर VA और VB बराबर हो जाए
तो C5 बिकम्स यूजलेस। समझ में आई बात? क्या कंडीशन है? अगर A और B का पोटेंशियल सेम हो जाए तो C5 यूजलेस हो जाएगा, और यूजलेस हो जाएगा तो इस सर्किट को जब दोबारा बनाएंगे तो C5 को बनाएंगे ही नहीं। कितना सर्किट बनेगा? सिर्फ C1, C2, C3, C4। इस सर्किट को ये इट बिकम्स अ वेरी इजी सर्किट, है कि नहीं? वेरी इजी। C1 एंड C2 बिकम्स C12 सीरीज में, और C3 एंड C4 बिकम्स C34 ये भी सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के किस में हो जाएंगे? पैरेलल। क्या ये बात दोनों लोगों को समझ में आई आपको? यस। तो वो जो बीच में होता है ना, जो बीच में है उसको बोलते हैं ब्रिज, और इस पूरे को बोलते हैं सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर अगर पोटेंशियल एट ए और बी बराबर हो जाए, ए और बी का अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? बीच वाला कैपेसिटर हम उड़ा देंगे, और उड़ा के बचा हुआ सर्किट फट से इजीली सॉल्व कर लेंगे। फंडा तो इतना ही है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इज दैट क्लियर? यस सर। एक लाइन क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि जिसमें दोनों का पोटेंशियल ही सेम ना हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट? अगर वो आया तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। नीट में अभी तक नहीं आया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अभी तक नीट में नहीं आया। आईटी वालों के लिए आता है, एचसी वर्मा में दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें अनबैलेंस भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन वो आने के चांस बहुत कम है, पर सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए यू शुड राइट दिस डाउन। ठीक है, डन? यस सर। अगर VA और VB बराबर हो जाए तो सर्किट बिकम अ मच इजियर सर्किट। अगर VA और VB बराबर है तो आप ब्रिज कैपेसिटर, जो बीच में ब्रिज वाला कैपेसिटर है, उसको आप उड़ा सकते हो, हटा सकते हो, फिर सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगा।
डन ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना चाहिए कि ये VA by VB होगा कब. ठीक है, फॉर व्हाट कंडीशन कैन वी से कि A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के बराबर हो जाएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V मान लिया और इसका मान लिया जीरो, क्योंकि बैटरी का EMF मेरे पास V है. तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान लिया, इसका जीरो मान सकता हूं मैं. बैटरी के एंड पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है. ठीक है, तो वी और जीरो और वीए और वीबी. तो कैन आई से कि वी माइनस वीए इज एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर वी वन, और V1 किसके बराबर होगा. मान लो ऊपर की तरफ चार्ज गया Q और नीचे की तरफ चार्ज गया स्मॉल Q, और यहां बैटरी से चार्ज आया Q प्लस Q. तो ऊपर कहां V1 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C1, राइट. और ऐसे ही VA माइनस जीरो विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, दैट विल बी क्यू बाई सी टू. सिमिलरली नीचे वाले एक पार्ट के लिए वी माइनस वी बी बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, वी होता है क्यू बाई सी के बराबर, और वी बी माइनस जीरो विल बी पोटेंशियल अक्रॉस फोर्थ कैपेसिटर एंड दैट विल बी क्यू बाई सी. क्या ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को. स्टेप समझ में आया आपको. बैटरी के एक एंड का पोटेंशियल V माना, दूसरे का जीरो माना, उन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल VA और VB माना. यस सर. तो पोटेंशियल मतलब सबकी हाइट जैसे सोच लो, इस पॉइंट की हाइट 100 मीटर है, इसकी 0 मीटर है, इसकी 80 मीटर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 20, इसके अक्रॉस 80. समझ में आ रही है बात. यस. ठीक है, तो चलो, तो वी वन ये हो गया, वी टू ये हो गया. अब मैं क्या करूं यहां से, व्हाट टू डू. मुझे वी ए और वी बी को इक्वेट करना है, उसकी कंडीशन ढूंढनी है. अच्छा, तो बिल्कुल नहीं याद कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं, पर ऐसा ही कुछ लॉजिक लगता है. हाँ, इसको डिवाइड करते हैं. V माइनस वी ए अपॉन वी ए की वैल्यू आ जाएगी C2 टू बाई सी वन, और V माइनस VB अपॉन VB की वैल्यू आ गई C4 बाई C3. अब तुम सोचो कि अगर हमें कंडीशन ढूंढनी है, इफ VA बराबर हो जाए किसके, VB के, तो कैन आई से C1 बाई C2 बराबर हो जाएगा किसके, C4 बाई C4. आई बात समझ में या नहीं. ये VA और VB बराबर है तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे या नहीं LHS साइड. अगर LHS साइड दोनों सेम हो जाएगी तो इसका मतलब RHS भी दोनों सेम है. तो अगर VA और VB बराबर हो गए तो C1 by C2 किसके बराबर होना चाहिए, C3 by C4. यानी अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. इज दैट क्लियर. Yes. Okay. तो आपको बस इतना लिखना है, द कंडीशन फॉर VA इक्वल्स टू VB इज C1 by C2 बराबर C3 by C4. और चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लो, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, कंडीशन लेट मी गिव इट
हेडिंग, एक सेकंड, हेडिंग लिखना, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, क्या कंडीशन है? C1 by C2 is equals to C3 by C4. तो घुमा के कोई C1 by C3 equals to C2 by C4 भी लिख सकता है, एक ही बात है, ओके? इसको हेडिंग डाल के और फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो. हो गया डन, ठीक. तुमको जब भी इस तरह का सर्किट दिखाई दे, कैसा, या तो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं. हाँ भाई, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो इसके.
बी पार्ट की भी सर एक का टेन एक का कौन से वाले का सी वाले का ए का अच्छा अच्छा पहले तो क्या बैलेंस्ड है ये 3/6 / 12/24 1/1/2 यस अगर बैलेंस्ड है तो आप बीच वाला कैपेसिटर हटा सकते हो बीच वाला कैपेसिटर हटाने के बाद ऊपर का 3+6 कितना हो जाएगा 3 × 6/2 2 फैराड और नीचे वाला 8 ऐसा बना सकते हैं इसको ऊपर वाले दोनों की जगह 2 फैराड और नीचे वाले दोनों की जगह हटा के एक सिंगल कैपेसिटर 8 फैराड आया समझ में और फिर इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 फैराड इधर वाले का बताओ इधर वाले का तुम बताना राहुल राइट हैंड साइड वाले का तुम बताना दूसरे वाले का बताओ क्या हुआ राहुल सर मेरा ए और बी दोनों नहीं है ए और बी दोनों नहीं आया ये नहीं आया तुमको ये नहीं, वाला नहीं आया अच्छा ये समझ में आया कि इन दोनों पॉइंट्स का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो बीच वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा यस अच्छा पोटेंशियल का मतलब समझ में आने लग गया बैटरी का ईएमएफ मान लो अगर 20 वोल्ट है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और ये वाले का
जीरो वोल्ट है, जीरो, ठीक है। अब अगर इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाए और इसका भी 6 वोल्ट हो जाए, तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 14 वोल्ट का। यहां से यहां तक भी 14 का है, यहां से यहां तक 6 वोल्ट है, यहां से यहां भी 6 वोल्ट है, ठीक है। यस, तो ये तो अभी पोटेंशियल की बात। अब अगर ये दोनों बराबर पे आ गए तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो, यानी इस पे चार्ज कितना आएगा? Q होता है सी वी, और V जीरो हो गया। कितना आएगा इस पे चार्ज? जीरो। तो सबसे पहली चीज कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, पोटेंशियल वाली, तो इस वाले कैपेसिटर को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो अब तो जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसी में जाएगा, और कोई रास्ता तो है नहीं, ये वाला रास्ता तो हटा दिया हमने। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस। तो अब ये 3 और 6 डेफिनेटली किसमें हो गए? सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? C1 C2 upon C1 plus C2, 6 3 18 plus 6 plus 3 9, 18/9 होता है 2। Okay? समझ आएगा। yes. और ऐसी 12 और 24 का इसने कैलकुलेट किया है तो ये 8 आ रहा होगा। तो 24 × 12, ओरली तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, 24 × 12 upon 36, 12 3 36 और 3 से 8 20, हाँ सही है सही है, बहुत ही बढ़िया। तो 2 and 8, और 2 and 8 अब किस में हो गए? सीरीज पैरेलल में हो गए, ये और ये पैरेलल में, पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 2 और 8 हो गया 10। समझ में आया? Yes, sir. अब इसमें देख लो, अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो इस वाले को काट सकते हैं। कब कटेगा ये? जब C1/C2 बराबर किसके हो जाए? C3/C4। जरा कैलकुलेट करके देखो, C1/C2 10/15, 10/15 एक्चुअली है 2/3, और C3/C4 30/45, ये भी 15 से कट जाएगा 2/3। तो हो गए ये तो बराबर। yes. बराबर हो गए तो इसको उड़ा दो। इसको उड़ा दिया, अब ये और ये जो चार्ज इधर जाएगा, नीचे तो कुछ रास्ता है नहीं तो इधर ही जाएगा आगे। ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में कितना होता है नैनी इनका बताना जरा, 10 और 15 का 6 आएगा, और इन दोनों का 30 और 45 का कितना आएगा? 18 आ रहा होगा, कैलकुलेट कर लेना, और जुड़ के ये कितना हो गया? आई बात समझ में? Yes. तो व्हीटस्टोन एक्चुअली बहुत इजी है, पर द प्रॉब्लम इज जब व्हीटस्टोन का अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है आपको एकदम से देख के समझ में ना आए कि C1 कौन सा है, C2 कौन सा है, C3 कौन सा है वगैरह। जैसे इस सर्किट में देखो, इसमें है 1 फैराड, 3 फैराड, 6 फैराड, 2 फैराड, 2 नहीं, ये डिलीट नहीं हो रहा, मेरी रबड़ खराब हो गई। इसको कितना करें? 12 फैराड कर दे, 12 फैराड और 4 फैराड कर देते हैं इधर। हाँ भाई, इसका इक्विवेलेंट मैंने तुम्हें बता दिया कि ये व्हीटस्टोन है, पर ये तुम्हें दिखेगा नहीं व्हीटस्टोन, तो यू शुड वंस ट्राई टू रीड्रॉ इट बाय टेकिंग दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, दिस एज पॉइंट सी एंड, अरे यार मैंने रजिस्टर बना दिया, सो सॉरी, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। कैपेसिटर बनाने थे सेम सर्किट में,
सेम सर्किट कैपेसिटर में बनाना था। तो ये है मेरा 1 फैराड, 3 फैराड, 6 फैराड, 4 फैराड, 12 फैराड। इस सर्किट को तुम्हें सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करके बताओ। एक बार इसको रीड्रॉ कर लेना साफ साफ, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इस पॉइंट को पी और इसको क्यू मानते हो, ठीक है? यानी ए बी पी क्यू, एक बार सारे कैपेसिटर्स इनके बीच में लगा के देख लेना। अगर लगा के देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन एकदम से इजी लगने लग जाएगा। हाँ भाई, तुमने रीड्रॉ किया? मैंने इतना सिखाया था तुम्हें रीड्रॉ करना। यस सर। ठीक है, ए और पी के बीच कौन सा लगाऊं? 3F। बहुत बढ़िया। पी और बी के बीच कौन सा लगाऊं? 12F। बहुत बढ़िया। पी और क्यू के बीच में? 6F। ए और क्यू हो गया 1F। क्यू और बी हो गया 4. तो भैया नीट में तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आया रीड्रॉ करो, डेफिनेटली व्हीटस्टोन होगा। ओके यस, इतनी औकात है, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, हो गया। अब ये फट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैलेंस भी दिख रहा होगा। 3/12, 1/4, इसको उड़ाओ। 3 और 12 का इक्विवेलेंट आएगा, आंसर खराब आएगा। 3.65। नहीं, अपन डेसिमल में नहीं जाएंगे बेटा, डेसिमल में ना जाने में खतरा होता है बहुत। अपन फ्रैक्शन में लिख के कर लेंगे। 3 × 12/15, तो 3 5s तो हो गया 12/5 ऊपर वाला 2.5, और नीचे वाला आ जाएगा 4 × 1/4+1, क्या 4/5। 12/5 + 4/5 कितना हो गया? 16/5।
इसके बाद आप देख सकते हो ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में है या 5 3 15 3.2 आया यही तो कोशिश करो डेसिमल में ना लास्ट स्टेप में ही जाओ. डेसिमल की गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए पहले फ्रैक्शन में ही किया. ठीक है चलो मैं एक और देता हूं तुमको. ठीक है तो अब घबराना नहीं, इस बार पहले से ही समझ जाना कि रीड्रॉ करेंगे तो दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा. बैटरी ये वाली है, ठीक है, ये वाली बैटरी है, बाकी सब कैपेसिटर है. तो 2 फैराड 4 फैराड 3 फैराड 9 फैराड 6 फैराड. चलो भाई शुरू हो जाओ. खुद से नोट्स के नाम दो इस बार, मैं नहीं दे रहा. ABCD ABPQ XY जो भी तुम्हें करना है. हाँ भाई रीड हो गया तुमने इस पॉइंट को. मैं बोल रहा हूँ बैटरी के एक एंड पॉइंट को ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया, फिर वायर पे गए गए इसको मैं ना ए बोल सकता हूँ ना बी, तो इसको मैंने सी बोल दिया. और इधर गए इसको ना ए ना बी ना सी, कहीं से भी आए बीच में कैपेसिटर है तो इसको डी बोल दिया. Yes. अब रीड्रॉ करेंगे सिंपली ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ए से बी और यहां पर सी और डी. ठीक है ए सी के बीच में थ्री फैराड, सी और बी के बीच में सिक्स फैराड, ए और बी के बीच में तो बैटरी थी वो तो लगा दी, और ए और डी के बीच में टू फैराड, डी और बी के बीच में 4. बन गया हमारा व्हीटस्टोन बैलेंस, बीच वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है, या बना के काट दो. ठीक है सी और डी के बीच में जो 9 फैराड है उसका कोई यूज नहीं है. ये 3 और 6 सीरीज में हो जाएगा, ये 2 और 4 सीरीज में हो जाएगा. 6 और 3 का कितना आएगा, 6 3 18 / 9 2 फैराड वो आएगा ऊपर वाला, नीचे वाला कुछ खराब सी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 4 2 8 / 6 8 / 6 कितना होता है 4 / 3 फैराड. इन दोनों को ऐड कर दो 3 2 6 + 4 10 / 3 फैराड इज द फाइनल आंसर. आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया. व्हीटस्टोन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से. Yes, sir. ठीक है 1 2
और कोई सर्किट है जो तुम्हें परेशान कर सकता है? और तो कोई एकदम से याद नहीं आ रहा, बाकी तुम बुकलेट में सॉल्व करोगे तो और भी है। ऐसा सर्किट होगा जो दिखने में व्हीटस्टोन नहीं लगेगा लेकिन होगा व्हीटस्टोन, ठीक है? और सर्किट सॉल्व करो, अब बहुत सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, आज सब लोग नहीं है वरना मैं वो भी बता देता। एक होता है किरचॉफ्स लूप लॉ, उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बाकी सर्किट्स खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, ये लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय सर। अगर सब अवेलेबल होंगे तो फिर ले लेंगे, ठीक है? कल हाँ, अगर सब लोग अवेलेबल हो तो।